ये बन रहा है दूध हमारा और इसमें मैंने डाले केसर के स्ट्रेंड्स। एक्चुअली मैंने कल भी डाले थे बट वो इतना पता नहीं चला, तो आज मैंने उबलते में ही डाले। देखो देखो ये असली केसर है, ये धीरे धीरे कलर छोड़ रहा है। और यहाँ मैं बना रही हूँ वापस से वो ही नमकीन जवे। बहुत अच्छी नमकीन जवे बनाती हूँ मैं, बट ये मैं समझना कि मैं हर दिन यही बनाती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, मैक्रोनी पास्ता, बट हाँ इजी स्टफ। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल ट्रेवल विद शालिनी। सो योर गर्ल विल बी ट्रैवलिंग, इज ट्रैवलिंग टुडे। आई एम गोइंग समवेयर, मतलब मैं अपने घर ही जा रही हूँ गाजियाबाद, बट देर इज सम फंक्शन नॉट एट माई प्लेस। माई फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड टुडे, सो कल तो मैं जा नहीं पाई थी बिकॉज देर वॉज सम रीजन्स विच आई कॉन्ट एक्सप्लेन और से ऑन कैमरा, बट सो कल का तो स्किप हो गया था प्रोग्राम। अदरवाइज़ मेरा बहुत मन था उसकी हल्दी मेहंदी पे जाने का, मेरा डांस वांस सब प्रिपेयर कर लिया था, बट ठीक है सम थिंग्स हैपेंड तो ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग और मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये साड़ी पहनी है, मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं था साड़ी पहनने का, बट गॉड फोर्स मी टू वेयर साड़ी। एंड व्हाट आई वाज सेइंग, लाइक ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फन फील्ड शादी है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू सी बिहारी शादी, द गाइस फ्रॉम बिहार, माय फ्रेंड इज़ फ्रॉम गाजियाबाद। सो मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी क्या क्या होता है, बहुत ही प्यारा व्लॉग होने वाला है और मैं आपका फुल लुक भी दिखाऊंगी। To finish some errands, and errands for me means this thing, this stuff. So फिर निकलते हैं हम, बहुत टाइम हो गया वैसे तो। तो गाइज मैं ना आज इयरिंग्स पहन रही हूँ अपने सोने वाले इयरिंग्स उतार के, और ये इयरिंग्स बहुत ही सुंदर है, प्यारे से, ब्यूटिफुल से। दीज वी परचेज फ्रॉम, कहाँ से लिए थे बेबी हमने? लाजपत नगर से लिए थे। मैंने बहुत सारे ढेर सारे इयरिंग्स खरीदे थे, बट मैं मुझे लग रहा है नहीं 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 मैंने ये इयरिंग्स एक बार और पहने जब शादी में हम, मतलब कीर्तन था उस दिन पहने थे। इसके आगे मुझे नहीं आता गाना। सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी, मैक्स 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। एंड आई एम डायरेक्टली गोइंग, वी आर डायरेक्टली गोइंग टू साक्षी'ज प्लेस फर्स्ट, फिर हम घर जाएंगे। नहीं घर भी नहीं जाएंगे, देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव प्लान फॉर द डे, एंड आई हैव प्लान समथिंग फॉर माई बेबी बिकॉज टुडे इज वैलेंटाइंस डे। मैं आज की स्टोरी बताऊंगी जब हम कहीं बैठेंगे तसल्ली से, आज के दिन 1 साल पहले क्या हुआ था। स्टे ट्यून्ड। साक्षी के वेन्यू पे, बट साक्षी इज़ नॉट हेयर। आई थॉट लाइक मैं उससे मिलूंगी जाते ही, शी विल बी वेरी हैप्पी, बट हाँ वो बहुत खुश है, फ़ोन पे बोल रही थी मैं अभी आ रही हूँ। सो मैं अभी मिलूंगी, मैं आयुष से मिल चुकी हूँ, साक्षी के जो होने वाले हस्बैंड हैं, और अभी हम लोग आए हैं डायरेक्ट लंच करने बिकॉज लंच इज़ गोइंग ऑन एंड दे आस्क्ड अस टू हैव ग्रैब सम मील, और हमें भी भूख लग रही थी। Thank you.
और चपाती सपाती सीख रही हैं एंड बेबी इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज खाना सब कुछ है. मैंने खाने नहीं दिया था, घर पे भी खाना बन गया था, तो मैंने सोचा अब जा ही रहे तो क्या ही खाना घर पे. नाश्ता हम करके आए थे, है ना. परचेज करने सो वी हैव फाइनलाइज लाइक वी सर्च दो तीन शॉप पे हमने सब देखा था बट नाउ वी हैव फाइनलाइज मुझे ये समझ में आ रहा है तो आई विल गो विद दैट. मुझे एक्चुअल कुछ भी नहीं चाहिए होता है, मैं कोई शॉपिंग नहीं करती. देखो गाइस ये मेरा छोटा बच्चा है जो यहाँ पे इन चीजों से खेल रहा है. देखो ये मैं आ गई हूँ अपने घर और ये है मेरी सेक्सी बहना और ये है मेरी सेक्सी मम्मी और ये जोकर. तो गाइस मैं आज पहली बार जूड़ा बनवा रही हूँ. पहली बार नहीं, एक बार मैंने पहले भी बनवाया कोमल के एंगेजमेंट में, तो मतलब बहुत टाइम हो गया. अब लेट्स सी ये दीदी मेरा जूड़ा बना रही है, लेट्स सी कैसा होता है. पता नहीं मेरे फेस पे सूट करेगा कि नहीं बट ठीक है, आई एम ओके फॉर न्यू ऑप्शंस. मेरा बन आप देख ही सकते हो बट आई हैव टू चेंज आउटफिट एंड वाइप माय मेकअप एंड डू मेकअप अगेन. सो लेट्स सी वेट फॉर दैट पार्ट जब मैं रेडी होके आऊंगी. ऑल राइट इट्स टाइम टू क्लोज दिस व्लॉग. आई होप आपको पसंद आया होगा, मजे आए होंगे और वेट करना नेक्स्ट पार्ट के लिए. नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, अगर पहले से बने हुए हैं तो लाइक करना मत भूलना. और नेक्स्ट व्लॉग विल बी अप सून. सून मतलब कल ही अपलोड हो जाएगा वो. स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय, टेक केयर.